नमस्ते दोस्तों, टेक पैक चैनल में आपका स्वागत है। 2020 का क्वेश्चन पेपर है मैकेनिकल मेंटेनेंस पेपर 1। ये 11 मार्च को एग्ज़ाम हुआ है। किस टाइप के क्वेश्चन ये साल में आपको पूछे गए थे, आपको पूरा क्वेश्चन पेपर मैं क्लियर करके दे रहा हूँ। आपको एंड तक आप वीडियो देखो तो आपको किस टाइप के क्वेश्चन मैकेनिकल मेंटेनेंस में पूछे जाते हैं तो आपको आइडिया है। पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर है 11 मार्च 2020 में। टाइम दिया था 2.5 घंटा और मैक्सिमम मार्क 40 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग, इसमें 4 क्वेश्चन सॉल्व करने गए, 6 क्वेश्चन दिया रहता है और 4 मार्क का क्वेश्चन रहता है पेपर 1। स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन ए, ड्रेसिंग ऑपरेशन इज डन बाय डैश डैश। इसमें ऑप्शन दिया था ड्रेसर, टैप्स, तो इसका सही जवाब है ड्रेसर। ड्रेसिंग ऑपरेशन इज डन बाय ड्रेसर, ये सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 मैं इसमें सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। पूरा पेपर के लिए अगला वीडियो रहेगा। इसमें सिर्फ आपको ये क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं तो क्वेश्चन आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में बी डैश डैश रेस्ट मूव्स विथ द टूल एंड गिव्स कंटिन्यूस सपोर्ट टू द जॉब। लेथ मशीन का क्वेश्चन आया है। इसमें ऑप्शन दिया है स्टेडी रेस्ट, फॉलोअर रेस्ट, तो इसमें जॉब को सपोर्ट देने के लिए कंटिन्यूस ऑपरेशन करने के लिए किस चीज़ का काम में आता है, स्टेडी रेस्ट का आता है या फॉलोअर रेस्ट का आता है। इसका राइट आंसर है फॉलोअर। तो फॉलोअर रेस्ट मूव्स विद द टूल एंड गिव्स कंटिन्यूस सपोर्ट टू द जॉब, ये सही जॉब है। अगला क्वेश्चन आया था मैच द पेयर। इसमें सी दिया है कटिंग एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल। एक साइड में कटिंग एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल दिया है और एंगल ऑफ सेंटर पंच, और दूसरी साइड में दिया है 60 डिग्री, 118 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो सी का कटिंग एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल कितना रहता है, ये तीनों में से इसका सही आंसर है 118 डिग्री। तो ये कटिंग एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल 118 डिग्री आप लिखने का है। और एंगल ऑफ सेंटर पंच, एंगल ऑफ सेंटर पंच इन तीनों में से 60 या 118 या 90, तो इसका सही जवाब है 90 डिग्री रहता है एंगल ऑफ सेंटर पंच। अगला क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड करेक्ट इट इफ फॉल्स। दो क्वेश्चन दिया है, इसमें फॉल रहेगा तो उसको आपको करेक्ट करके देने का है। तो ई क्वेश्चन है द फ्यूज इज यूज टू प्रोटेक्ट द अप्लायंसेस फॉर एक्सेसिव करंट। फ्यूज का यूज होता है, कोई भी मिक्सर रहेगा, फैन रहेगा, कोई भी, तो एक्स्ट्रा करंट जो आएगा तो सब प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सही जवाब है, तो ये ट्रू आंसर है इसका। और दूसरा एफ क्वेश्चन दिया है इन प्लेनर टूल रेसिप्रोकेट व्हाइल वर्क इज स्टेशनरी। ये गलत आंसर है, फॉल्स है, तो इसको ट्रू करने का है। तो उसका ट्रू आंसर आएगा इन प्लेनर वर्क पीस आर हेल्ड ऑन टेबल दैट रेसिप्रोकेट लॉन्गिट्यूडिनली अगेंस्ट स्टेशनरी कटिंग टूल, ये सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, तो आपको फुल मार्क 4 मार्क मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अभी सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के दिखा रहा हूँ मैं पूरा क्वेश्चन पेपर, तो आपको बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन 2020
20 में पूछे गए थे, तो आपको आइडिया आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 आया था, आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 8 to 10 लाइन्स ईच, एनी टू सॉल्व करने का है। इसमें आपको तीन क्वेश्चन दिया है, ए बी सी, तीन में से दो सॉल्व करने का है। पहला क्वेश्चन है, इसमें राइट वर्क होल्डिंग डिवाइसेस यूज ऑन ड्रिलिंग मशीन, एक्सप्लेन एनी वन विथ नेट स्केच। ड्रिलिंग मशीन का वर्क होल्डिंग डिवाइसेस का लिस्ट बनाने का है और एक्सप्लेन एनी वन इसका डायग्राम निकलने का और एक्सप्लेन करने का। इसके लिए आपको 3 मार्क रह गए, 6 मार्क का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को 3 मार्क्स है। तो इसमें डायग्राम को 1 मार्क रहेगा, एक्सप्लेन को 1 मार्क रहेगा और राइट होल्डिंग डिवाइसेस का लिस्ट, उसका कितने होल्डिंग डिवाइसेस उनका लिस्ट बनाएंगे तो आपको 1 मार्क इसमें मिल सकता है। तो 3 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप का रहता है। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिलिंग कटर, एक्सप्लेन एनी वन विथ नेट स्केच। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। मिलिंग मशीन के ऊपर अलग अलग मिलिंग कटर के नाम लिखने का है, 5-6 नाम लिखेंगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा। और एक्सप्लेन एनी वन, कोई भी कटर का एक का एक्सप्लेन करने का है और उसका डायग्राम निकलने का। तो एक्सप्लेन के लिए 1 मार्क और डायग्राम के लिए 1 मार्क, तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन हो जाता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में सी पूछा था, एक्सप्लेन नर्लिंग ऑपरेशन विथ नेट स्केच। लेथ मशीन का क्वेश्चन है, नर्लिंग ऑपरेशन का एक्सप्लेन करने का है और इसका डायग्राम निकलने का है, नर्लिंग टूल होल्डर का डायग्राम निकलने का और उसको नाम लिखने का है। तो आपको 3 मार्क, एक्सप्लेन के लिए 1 मार्क, डायग्राम के लिए 1 मार्क और उसका पार्ट का नाम लिखेंगे डायग्राम का, तो उसमें 1 मार्क आपको मिल सकते हैं। ये 3 मार्क का क्वेश्चन हो जाता है। इसमें एनी 2 सॉल्व करने का था, 3 क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 8 to 10 लाइंस, एनी 2 सॉल्व करने का है। ये भी 6 मार्क का क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन कैरीड 3 मार्क्स। तो इसमें आपको ये पूछा था, डिफरेंस बिटवीन सेपर एंड प्लेनर, एक साइड में सेपर और प्लेनिंग का लिखने का है, दोनों का 3, कम से कम 3-4 पॉइंट लिखना चाहिए तभी आपको 3 मार्क मिलेंगे, डिफरेंट बिटवीन सेपर एंड प्लेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में भी, एक्सप्लेन बेंच ड्रिलिंग मशीन विथ नेट स्केच। ड्रिलिंग मशीन का, बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन का एक्सप्लेन करने का है, उसका डायग्राम निकलने का है और मेन पार्ट दिखाने का है। तो 1-1 मार्क इसके आपको मिलेगा, एक्सप्लेन के लिए 1 मार्क, डायग्राम के लिए 1 मार्क और पार्ट का डायग्राम के लिए जो ड्राइंग निकालेंगे उसका पार्ट का नाम लिखने का, उसको 1 मार्क। तो 3 मार्क इसमें डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप का रहता है। 3rd क्वेश्चन है सी, डिफाइन लोड ग्लेजिंग एंड ड्रेसिंग ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है सी, इसमें लोडिंग और ग्लेजिंग डिफाइन करने का, 1-1 मार्क आपको इसका, ग्लेजिंग के लिए 1 मार्क, लोडिंग के लिए 1 मार्क और ड्रेसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील का ड्रेसिंग किस टाइप का किया जाता है उसका डिफिनेशन करने का, डिस्क्राइब करने का किस टाइप का, किस तरह से ग्राइंडिंग व्हील ड्रेसिंग किया जाता है। तो ये 1-1 मार्क का 3 मार्क आपको मिल सकते हैं। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 3rd। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4th, आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 5 to 6 लाइन ईच, एनी 6 क्वेश्चन, एनी 3 सॉल्व करने का। इसमें आपको 6 मार्क का क्वेश्चन है, 2-2 मार्क का क्वेश्चन ईच है। क्वेश्चन नंबर 1st, इसमें पूछा गया था, व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल वर्किंग ऑन लेथ मशीन। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, कम से कम आपको 4-5 पॉइंट कम से कम लिखना चाहिए, सेफ्टी प्रिकॉशन किस टाइप के रहते हैं लेथ मशीन के ऊपर काम करने का टाइम। क्वेश्चन नंबर 4th में बी पूछा था, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील का डिफरेंट टाइप्स 4-5 लिखने का है तो आपको 2 मार्क मिलेंगे। इसमें खाली लिस्ट बनाने का है, अलग अलग टाइप के ग्राइंडिंग व्हील मशीन रहते हैं
तो मशीन के नाम लिखने का है, टाइप्स ऑफ मशीन, ग्राइंडिंग मशीन। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी इस तरह से 2 मार्क आपको मिल जाएंगे, कम से कम 4-5 मशीन के नाम लिखने गए। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ में सी पूछा था, राइट द फंक्शन ऑफ टेल स्टॉक, टेल स्टॉक का फंक्शन लिखने गए 2 मार्क के लिए, तो आपको 2 मार्क इसमें आपको मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में डी, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, ब्रेक डाउन का डिसएडवांटेज लिखने का, कम से कम 4 पॉइंट लिखने का। तो एक एक पॉइंट को आपको आधा आधा मार्क रहता है, तो आपको 2 मार्क इसमें आपको फुल मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ई पूछा था, व्हाई ड्रिलिंग इज फॉलोड बाय रिमिंग, इसका भी आंसर लिखने का है। ड्रिलिंग करने के बाद रिमिंग क्यों किया जाता है, ये आपको एक्सप्लेन करके बताने का है। 2 2 मार्क का क्वेश्चन था, 5 से 6 लाइन का सॉल्व करने का है। तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिया था, आपको सॉल्व करने का था ओनली 3। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 5 to 6 लाइन, इसमें भी आपको एनी 3 सॉल्व करने का है, मार्क 6 रहेगा। इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिया है, 2 एक्स्ट्रा दिया है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में ए, डिफरेंट बिटवीन ड्रिलिंग एंड बोरिंग, बोरिंग और ड्रिलिंग में डिफरेंस बताने का, कम से कम 4 डिफरेंट बताने का है, तो आपको आधा आधा मार्क एक एक डिफरेंट को मिल सकते हैं। डिफरेंट बिटवीन ड्रिलिंग एंड बोरिंग, उसमें क्वेश्चन नंबर बी पूछा था, स्टेट द फंक्शन ऑफ कूलेंट, लेथ मशीन के ऊपर कूलेंट यूज किया जाता है, उसका फंक्शन क्या रहता है, किस वजह से कूलेंट यूज किया जाता है लेथ मशीन के लिए। ये 4-5 पॉइंट इसमें आपको सॉल्व करने हैं। एक्सप्लेन स्क्रैपिंग ऑपरेशन, सी क्वेश्चन पूछा था, स्क्रैपिंग ऑपरेशन किस तरह से किया जाता है, उसका एक्सप्लेन करने का है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में डी पूछा था, राइट द फंक्शन टू बी कंसिडर वाइल सिलेक्टिंग अ कटिंग व्हील, इसमें आपको फंक्शन लिखने का है, ग्राइंडिंग व्हील का सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है। तो इसका 4-5 पॉइंट में आप लिखेंगे फैक्टर, तो आपको 2 मार्क इसमें मिल सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में ई पूछा था, एनलिस्ट द ऑपरेशन परफॉर्म्स ऑन शेपिंग, शेपिंग मशीन के ऊपर किस टाइप के ऑपरेशन किए जाते हैं, कम से कम 4-5 पॉइंट ले आप लिखेंगे ऑपरेशन के नाम, तो उसमें आपको 2 मार्क आराम से मिल सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था 5 नंबर का, उसमें यानी 3 सॉल्व करने का था, 5 क्वेश्चन दिया था। लास्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट्स एनी 2, ये बड़ा क्वेश्चन रहता है, इसमें मार्क भी ज़्यादा रहते हैं। इसमें 12 मार्क का क्वेश्चन रहता है, एनी 2 सॉल्व करने का रहता है, अटेम्प्ट्स एनी 2, एक क्वेश्चन को 6 मार्क रहते हैं, 3 दिए रहते हैं, एक एक्स्ट्रा दिया रहता है। ये इसमें आपको डायग्राम एक्सप्लेन करके इसमें कम से कम 10-12 लाइन का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। पहला क्वेश्चन पूछा था 6 क्वेश्चन में, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ टेपर टर्निंग, टेपर टर्निंग का डिफरेंट मेथड अलग अलग रहता है, 5-6 मेथड रहता है, उसमें आपको 5 का 5 लिखने का है, और एक्सप्लेन एनी 1 का एक्सप्लेन करने का, कोई भी 5-6 में से 1 एक्सप्लेन करने का, उसका डायग्राम निकलने का है। फॉर एग्जाम्पल, टेपर टर्निंग, ऑफसेट टेपर टर्निंग, सेट और टेपर टर्निंग, इस टाइप के मेथड रहते हैं। तो आपको कोई भी, आपको जो आता है उसमें एक का एक्सप्लेन करने का है और उसका डायग्राम निकल के दिखाने का है। तो उसमें आपको 6 मार्क्स रहेगा, डिफरेंट बिटवीन मेथड का 2 मार्क इसमें मिल सकते हैं, एक्सप्लेन के लिए 2 मार्क्स और नेट स्केच के लिए 2 मार्क, इस टाइप के 6 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछा गया है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 में भी पूछा था, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेस ग्राइंडर, एक्सप्लेन एनी 1 विथ नेट स्केच, मीन्स सरफेस ग्राइंडर
ग्राइंडिंग मशीन का क्वेश्चन पूछा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेस ग्राइंडर कौन से रहते हैं, कम से कम चार पांच सरफेस ग्राइंडर के नाम लिखने का है, एक्सप्लेन एनी वन, इसमें भी एक कई एक्सप्लेन करने का और डायग्राम निकल के दिखाने, तो इसमें भी आपको 2 मार्क्स डिफरेंट टाइप्स के लिए, एक्सप्लेन के लिए 2 मार्क्स और नेट स्केच के लिए 2 मार्क्स, तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है 6 में, ड्रॉ नेट लेबल डायग्राम ऑफ स्लॉटिंग मशीन, एक्सप्लेन एनी 3 मेजर पार्ट्स। अभी स्लॉटिंग मशीन का डायग्राम निकलने का है, इसमें आपको ये अच्छे तरह से डायग्राम निकाल के और कोई भी मेन 2-3 पार्ट का जो है उसका एक्सप्लेन करके दिखाने का। तो एक्सप्लेन में आपको 3 मेजर पार्ट के लिए 1-1 मार्क रहेगा, 3 मार्क, और नेट लेबल डायग्राम के लिए 3 मार्क, 6 रहेगा। इस टाइप के 6 क्वेश्चन, 6 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन पेपर 2.5 घंटा आपको टाइम दिया रहता है बोर्ड के लिए, 2.5 घंटा बहुत टाइम में आप आराम से ड्राइंग निकाल के पूरा 40 आउट ऑफ 40 मिला सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन 2020 में पूछा था। आपने एंड तक ये वीडियो पूरा देखा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा अपने दोस्त को शेयर कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।